हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर गुड। मैं बढ़िया हूँ। नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम से। सो गाइस, आज मेरे सुबह से बहुत बिजी थी तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। एक्चुअली दो तीन दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रही हूँ। दो दिन आई थी, एक या दो दिन हो गया ब्लॉग नहीं डाला मेरा, क्योंकि जीना की ना थोड़ा सा तबीयत खराब थी, उसे फीवर कोल्ड कफ था, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और आपको जैसे पता है यार, अभी दिवाली की सफाई चल रही है, तो इस वजह से भी एंड। और ये देखो मेरे काम। सो गाइस, यहाँ पे ना मेरा हाथ मतलब जल गया है। यहाँ से देखो सूजन हो गई है, तो यहाँ पे गर्म पानी खौलता हुआ पानी मेरे हाथ पे गिर गया। तो आपको पता है जलना और मेरा कनेक्शन, आप लोग पता ही है जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं कि मैं कहीं ना कहीं से जल गई रहती हूँ। सो अभी मैंने आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे कि शादी की वीडियो बनाओ करके, तो मैं सोच रही क्यों ना मैंने कुछ ब्लॉग तो बनाया नहीं, तो चलो क्यों ना आप लोग को शादी की वीडियो की शेयर की जाए, हमारे सोशल दिखाते हैं। तो गाइस, ये है नीरज के दादा दादी, यानी कि मेरे ससुर जी के मम्मी पापा, एंड ये है हमारा घर, और ये पीछे का खेत का है व्यू पूरा। अच्छा, तो गाइस ये है नीरज की नानी, और ये नीरज के मामा के लड़के हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सबको तो क्या एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। ये तो यहाँ पे जो है बारात जाने की तैयारी हो रही है, तो क्या जितनी भी हमारे कल्चर में होता है, जो भी बड़ी मम्मी लोग होंगी या बड़े बड़े जितने भी लोग होंगे, वो आशीर्वाद देते हैं लड़के को, तो टीका लगाते हैं, विदा करते हैं, मतलब वो बारात लेने जाएगा घर के जितने भी बड़े लोग होते हैं इनसे। तो ये सब लोग यहाँ पे अभी कर रहे हैं, और एकदम छलिया डांस करते हुए जाएंगे सबके सब। तो ये है नीरज और आरती की वेडिंग की कार, तो चलो। तो जब लड़के वाले आते हैं, तो लड़की वाले अरेंजमेंट करे रहते हैं कि थोड़ा सा जो नाश्ता टाइप का ऐसे बनाए रहते हैं थोड़ा सा, तो बाहर लगता है वो हॉल के बाहर। तो वो करने के बाद आते हैं सब लोग हॉल में, और हमारी जो शादी थी वो थी हॉल पे। तो गाइस, ये है मेरी मौसी, और ये मेरी मौसी की लड़की है संजना, और ये है मेरी दीदी और मम्मी वो है। तो अभी क्या होता है, लड़के की स्वागत करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे रिबन करता है वो, आप लोग के वहाँ सब लोग के वहाँ होता होगा, और हमारे कल्चर में होता है जो पीतल का बर्तन होता है, मीन फोला कहते हैं हमारे पास है फोला, तो वो लड़की की बहन सर पे रखती है। तो यहाँ पे जो लड़के वाले थे ना, उन्होंने मेरी बहन पे इतना स्प्रे फेंक दिया था ना कि वो बेचारी देख भी नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा बेचारी नाराज़ हो गई थी इन लोगों से। तो ये रिबन काटेंगे, फिर आप लोग को पता है फिर लड़की वाले पैसे मांगते हैं, तो ये तो रिवाज है जो कि होता है, मिठाई खिलाई जाती है। तो ये देखो उसके पूरे फेस पे, पूरे हाथ पे स्प्रे डाल रखा है लड़कों वालों ने, बेचारी का पूरा फेस मेकअप खराब कर दिया है यहाँ पे। तो क्या ही आपको कुछ, क्या ही बेचारी कुछ करेगी, वहाँ कैमरा मैन बोला ये कर वो कर, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कैची से कटता है रिबन, फिर उसके बाद वो लोग अंदर एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे पैसे की बात हो रही है टोटल मिला के, कि इतना पैसा दोगे तब जाके एंट्री होगी। तो बस यहाँ पे फिर नीरज इनको पैसे देते हैं, और उसके बाद ही एंट्री होती है। मेरी बहन लड़ रही है, होता है यार बचपन में ना, अब एक ही टाइम होता है, एक तो एक ही साली है जीनल, सॉरी संजना, जीनल बोली, जीनल कही 24 घंटे फेमस से जीना का नाम निकलता है, तो यहाँ पे भी जीना का नाम निकल रहा है। तो चलो, नीरज जी ने यहाँ पे एंट्री ले ली है, फाइनली वो अंदर आ चुके हैं हॉल के अंदर। सो इस पर बता देती हूँ, मैं वैसे होने वाली प्रॉपर पिथौरागढ़ की हूँ, बट मेरी शादी जो है बनबसा से हुई है, तो हम यहाँ पे आके हमने होटल पे शादी की थी, तो ये सब होटल का व्यू है पूरा। तो यहाँ पे जो होता है ना, जो लड़की वाले होते हैं, तो उनके मतलब मेरे पापा जो हैं वो लड़के वाले के पाँव धोते हैं, और मतलब उनका टिक्का विक्का लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं कुल मिला के। तो यहाँ पे नीरज जी पता नहीं कहाँ जो ढूंढ रहे हैं अपनी आँखें कर रहे हैं, और इतने मासूम सा चेहरा है लग रहा है इनका। तो ये है मेरे पापा, और ये लोग तो पंडित है साइड के जो भी हैं पापा, ये हैं मेरे वाइट कुर्ते वाले। तो यहाँ पे कन्यादान की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पहले थोड़ा सा फ़ोटोशूट्स वगैरह करते हैं हम लोग, जयमाला वगैरह हो रही थी। तो यहाँ पे ना पापा नीरज को रिंग और जो उन्होंने चेन बनाई थी सोने की, वो सब वॉच वगैरह जो भी होता है वो सब देते हैं, पापा दे रहे थे। तो ये अपनी इच्छा है, हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि दहेज देना है, वो अपनी इच्छा से होता है कि देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। तो
और मेरा लहंगा इतना ज्यादा हैवी था ना, और इतना कॉस्टली तो पूछो ही मत। लेकिन बट मेरा लहंगा अभी तक बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस यहाँ से ना कन्यादान की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो कन्यादान करते हैं शादी। तो यहाँ पे कन्यादान होना शुरू हो जाता है, और मम्मी पापा लोगों ने कन्यादान भी कर लिया था उसके बाद। तो ये मेरा भाई है, जो कि हमारे उसमें क्या होता है कि सुप्पे में वो देता है बतासे दे सॉरी खिले देता है, खिले बतासे जो होते हैं जो दिवाली में यूज़ होते हैं, तो वो देगा। तो उसके बाद फेरे, उसी के फेरे के साथ हम लोग करेंगे सब कुछ। फेरे मतलब फेरे करते टाइम अग्नि में इसको देते रहेंगे। कुछ परंपरा होती होगी मुझे इतना पता नहीं है, डीपली मैं जाऊंगी नहीं, मुझे इतना पता नहीं। बट अभी मंगल फेरे शुरू हो जाएंगे हमारे इसी के साथ। आवाज बात अश्विन। तो गाइज यहाँ पे आवाज़ कम करना। सो यहाँ पे अभी सिंदूर, जो सिंदूर दान की परंपरा होती है वो होती है। तो यहाँ पे नीरज लगाया है सिंदूर मुझे, जो कि हर औरत के लिए सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंट होता है सिंदूर का। और पहले मैं कितनी प्यारी थी, अपनी तारीफ खुद की मुझसे क्या करूँ यार। और नीरज भी इतने मतलब क्या यार, टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया है क्यों। और यहाँ पे फिर क्या होता है ना, जो दूल्हा होता है वो उठा के दूसरे जा रखता है, बट मेरा लहंगा इतना भारी था, नीरज जी बता नहीं कैसे मुझे उठाया। ये एक जगह से उठाते हैं फिर दूसरी जगह रखते हैं, ये सबसे बेस्ट रहता है। फिर हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो नीरज को शायद ज़्यादा भूख लगी थी, वो खुद ही मिठाई खा रहे थे। मतलब ऐसा इसमें ऐसा होता है कि अपना जूठा खिलाना, तो इसलिए मतलब जो पति मतलब एक दूसरे को अपना जूठा खिलाएंगे ये होता है। आवाज फिर सिक्के से ना अपने दांत में करती रहे, थोड़ा सा उतना भी मत बढ़ा कि कॉपीराइट की मनाए, और कम कर। तो अभी देखने गए इस यहाँ पे देखते हैं ना नीरज कुछ करेंगे कहा तेरा, यहाँ पे देखो कुछ कहते हैं कान में। तो क्या बोला था कान में बचा नहीं, हाँ शायद आई लव यू बोला होगा, हाँ यही बोला था यही बोला था शायद मंत्र नहीं पढ़ते, नाम लेते हैं बोलते हैं आ इसकी शादी कर लो, की शादी अभी में। ये है मेरा सबसे छोटा देवर जिसकी शादी होने वाली है अभी, और ये मेरे मायके वाले मतलब हमारे जो मेरी मम्मी लोगों के आस पड़ोस में रहते हैं आंटी लोग, वो लोग हैं। ये मेरी मामी लोग हैं, ये सब आंटियाँ हमारे अगल बगल में रहने वाली आंटियाँ लोग हैं। तो गाइस यहाँ पे ना विदाई हो रही है, तो यहाँ पे यार क्यों रोएगा, अब स्टाइल देखो बोलने बताओ ये लोग को, समझाओ इनको, चाहे कितनी भी शादी की। मम्मी इनको मजाक लगा रहे, उस टाइम कोई हंसता है क्या शादी के टाइम में, तुम ही हंसी होंगी ना, ये उससे हंसी होंगी औरत। तो गाइस चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी खुशी हो शादी करने की, लेकिन अपने मायके से दूर रहने का दुख तो हर किसी को रहता है। मैंने मम्मी लोग मम्मी से कहा था कि मम्मी मैं तो कभी रोऊंगी नहीं शादी के दिन, कभी नहीं रोऊंगी, आती मम्मी से हमेशा ऐसा कहती थी। बट जो वो मोमेंट है ना उस टाइम ऑटोमेटिक ही आंसू निकल ही आते हैं। तो यहाँ पे ये दीदी भी टीका लगाई थी, तो विदा करते हैं, वो तो कैसे करते हैं आप लोग के, वहाँ भी ऐसे करते होंगे शायद। तो चाची का और ये है पास सोना, मेकअप मेरी दीदी की लड़की जो कि अभी कितनी बड़ी हो गई है, चाची का तो रो रो के पूरा मेकअप निकल गया, तो दिन में पता चलता है कितने 50,000 का लगाया था, मेकअप बता दी इसकी बकवास बातें।
चिड़ैया उड़ रही थी ना, चिड़ैया उड़ रही थी ना, तभी मेकअप खराब हो गया चिड़ैया। और पता है आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने जो आर्टिफिशियल पलके निकाली थी, रो रो के मेरी पलके भी, एक पलके तो मेरे हाथ में आ गई थी सच में, मतलब रो रही थी एक पल के हाथ में आ गई, नीएच के रहा क्या हो गया है तेरी एक आंख आ गई सच में। मम्मी जो नकली पलक लगाई थी ना, चिपकाई थी यार बहुत तरीके से, कि मेरे को इतना रो रहा है कि मैं अपने पोसते रह गई ना ये उससे हैंकी से, तो मेरी पलके बाहर आ गई। तो ये मेरी मम्मी है फर्स्ट वाली, और ये मेरी बड़ी मम्मी है, वो मेरी मौसी है, और ये मेरी दीदी है, और ये मामी लोग हैं मेरी, दोनों मामी है। तो गाइस यहाँ पे ना जो मेरे जो लड़की के भाई होते हैं ना, हमारे उसमें होता है कि जो लड़की के भाई होते हैं वो अपनी बहन को उसके ससुराल तक विदा करके आते हैं, और एक दिन वहीं रहते हैं, दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन सुबह आ जाते हैं। तो मेरे दोनों भाई आए थे मुझे छोड़ने, विशाल और सौरभ मुझे छोड़ने आए थे घर तक, दूसरे दिन आ गए थे फिर वापस वो लोग। तो ये हमारे कल्चर में ही होता है ऐसा करना। तो गाइज ये है मेरे ससुराल का डेकोरेशन शादी के दिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी डेकोरेशन किया था। अब मैं जब पहली बार यहाँ आई थी ना, तो मैं जब गैलरी से गई थी ना, जो मैं सोची थी ये गैलरी ख़त्म कब होगी, घर कितने दूर है घर के, इतनी लंबी गैलरी लगती रही, देखो वीडियो भी आप लोग को पता चला होगा, घर इतने दूर था मेरा और गैलरी इतनी लंबी, क्या बताओ। मैं सोचती यार अब तो आएगा ये पूरा ऊपर से ड्रोन से व्यू लिया है देखो, ये पूरे में हम लोगों ने, ये पूरी गैलरी है, और यहाँ पे घर है वो गैलरी है, और यहाँ पे हम लोगों ने सारा करते हैं अरेंजमेंट किया था जो पार्टी वगैरह का, ये था महल है। हाँ तो यहाँ पे आ गई थी हमारी शादी की कार, बट अंदर जाना मतलब जा नहीं पाई थी, और साइड में ना मतलब रास्ते पे दो वो लगाए थे, क्या बोलो, हाथी लगाए थे, लेकिन आजकल कोई नहीं लगाता क्या, वैसे अगर इस सिचुएशन का आप यही करता है ऐसे डेकोरेशन ना, कितना अच्छा था कि हाथी वाथी का डेकोरेशन दिया था, कितना सुंदर लग रहा था, अंदर सिपाही भी तो लगाए थे। हाँ वो मंत्री लेके बोलते हैं, अंदर आई नहीं थी गाड़ी, खाली अंदर नहीं आई थी क्योंकि गैलरी छोटी पतली हो गई थी ना। दादी आप पीठ दिखा के बग गए, तो बैलून से डेकोरेशन किया था इतना अच्छा, चुप रहे बाद में बोल लेना, फूल कितने अच्छे आए थे नामी, अब तो फूल ही नहीं है, तो फूल ही नहीं लगते इस फूल के लिए, तो मैं इतना। तो यहाँ पे फूट चुके हैं बारात आने के पटाखे छल्ले डांस के साथ, वाह कल्लू की शादी में सब वापस आएगा, ये सब यादगार जैसी शादी होती है कल्लू। तो यहाँ पे आ चुकी है बारात वही छलिया डांस के साथ, आ जा तो ये सारे की सारी मेरी जेठानियाँ है, जेठानी है, मौसी की लड़की है, और ये जेठानी की लड़की है। सो गाइस जैसे वहाँ पे दूल्हे की बहन गेट पे खड़े रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है, दूल्हे की बहन मतलब दूल्हे की भतीजियाँ वगैरह खड़ी होती है, तो दूल्हे की भतीजी खड़ी है, तो उन्होंने पैसे वैसे देख के हम लोग अभी अंदर आते हैं। ये है मेरी शादी का छोटा मोटा लुक, यार फूल कितने सुंदर आ रहे हो, देखो तो आंखें से हो गई है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप निकल गया है, इनके घर आते आते नींद आ रही है, पीछे हो मेरी बुआ बैठी है पीछे, अभी काजी पानी मारी गया काम करने लगे। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है ना, जो दूल्हे की सारी मम्मी लोग मतलब मम्मी लोग होती है, जो बड़ी मम्मी लोग, चाची लोग, तो ये सब लोग मिलके आशीर्वाद देंगे, टीका लगाते हैं, सब कुछ चलता है यहाँ पे।
तो ये है मंजुती, आपको पता ही है नीरज की दीदी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो दुल्हन जब घर पहली बार घर के अंदर घुसती है तो उसके जो भाई लोग होंगे या दुल्हन होगी वो अपनी ननद, उसकी ननद जो है वो मांगती है घर के अंदर घुसने का पैसा। तो मेरी ननद सास तो ऐसे बहुत सीधी है, वो क्या मांगेगी, तो वो मैं, ये दोनों मेरे भाई है जो पैसे देंगे, वहीं से पैसे लिफाफा बना के देते हैं ना मम्मी लोग। तो गाइज यहाँ पे ना घर के अंदर जो आते हैं उसके लिए वो करते हैं, आरती वारती की जाती है, मतलब दुल्हन जब पहली बार घर के अंदर आती है दरवाजे में, मतलब दरवाजा पूछते हैं ना डेली, तो हमारे यहाँ डेली कहते हैं, डेली को पूछती है दुल्हन, तो करते हैं। तो यहाँ पे वही चल रहा है। तो यहाँ पे वो अब होगा जो रस्म होती है, मतलब पूजा, घर की पूजा जो करते हैं, और जो चाबी वाबी होते हैं वो सब छुपाने वाला चावल के अंदर, ये सब रस्म होती है। अभी तो गाइज इसमें क्या होता है ना, वैसे तो हमारे पहाड़ में, वैसे हमारे पहाड़ में क्या होता है कि जो मतलब पति पत्नी होते हैं वो दूसरे दिन ना, दूसरे दिन जाते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, धारा में जाते हैं, जो गंगा जो पानी की धारा होती है जहाँ पानी बहता है वहीं पर सब कुछ करते हैं, सारा निकालते हैं, वहीं पर होता है। लेकिन अब जहाँ हम लोग पिता, मेरे ससुराल है, वहाँ ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती, धार पानी की धारा वगैरह कुछ नहीं होती। तो जो नल होता है हैंडपम्प, तो वहीं पर उसी दिन कर लेते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वही चल रहा है, तो पति पत्नी का निकालेगा, पत्नी पति का निकालेगी, ऐसा चलता है। धीरे धीरे जो भी मेरा मुखटा है वगैरह है, मेरा हाथ में जो बाधे हुए हैं ताकि, वो सब धीरे धीरे खोलते हैं। बस बस तो यहाँ पे टीका पोस्ट, जो इसमें क्या होता है कि टीका पोस्ट होता है, पति पत्नी एक दूसरे का टीका पोस्ट होता है, एक दूसरे का मुंह धोते हैं। अब टीका इतना लगाया था, फिर ये देखो मुंह धोके कितना कैसे लग रही हूँ मैं, मेकअप निकल चुका है मेरा, तो आप देख सकते हो मेरा डाइट क्या है, 50 किलो का मेकअप, आधा मेकअप तो घर में एकदम शीशे के सामने बैठ के किया था। अरे यार 50 हजार का मेकअप तो मेरा उतर गया, देखो कैसे करते हैं। तो ये हैंडपम्प से निकालेंगे पानी, और गाइज ये है सबसे अच्छा मोमेंट। तो क्या होती है, जो बहू होती है वो हैंड पानी निकाल के, वैसे फौले में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ फौला वाला सिस्टम नहीं है, तो लोटे में पानी ले जाके ये पानी अपने ससुर को पिलाना, अभी ससुर को, सास ससुर को पिलाते हैं, एकदम लोटा देख रहे। ये है मेरे ससुर और ये मेरे नहीं है व्लॉग पापा, तो मेरे ससुर ना थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए उनको हम ज़्यादा कैप्चर नहीं करते हैं। तो आप लोग ऐसे देख सकते हो, ये है मेरे ससुर, तो उन्हें पिलाऊंगी पहले पानी, और मेरी सास। चाची एक दो मम्मी मम्मी बेचारी को बहुत क्या। तो यहाँ पे जो रस्म होती है वो शुरू हो जाती है, अरे एक मिनट मम्मी। तो यहाँ पे गाइस ये रस्म होती है, जो बर्तन होता है उसमें से सास होती है वो चाबी छुपाती है, अपना कितनी बार छुपाती है, अभी 5 या 7 बार चाबी छुपाती रहेगी, और दुल्हन ना ढूंढते रहेगी, जैसे कि आप लोगों ने मूवी में या किसी पिक्चर में देखा होगा कि दूल्हा दुल्हन अंगूठी छुपाने वाला रस्म होती है, लेकिन हमारे इसमें ये नहीं होता, हमारे इसमें सास छुपाती है घर की तिजोरी की चाबी, और जो दुल्हन होती है वो ढूंढ के निकालती है चावल के अंदर से। तो गाइस ये था हमारा वीडियो शादी का थोड़ा सा क्लिप, और अभी मैं आप लोगों को अपनी पार्टी का दिखाऊंगी, छापे लिए जो मैंने डांस किया है, और ये सब कुछ जो भी है वो दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जल्दी से नए ब्लॉग के साथ, तब तक राधे राधे, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।